क्यों रे कमीने, कौन चाहता है तू जिंदा रहे? आज कौन सा दिन है? शनिवार है भाई। शनिवार है, वो अकेला नहीं जाएगा। सुनिए ना हाँ, इस बार तो रुकेंगे ना? रुकूंगा ना, आज ही मैंने एक काम पूरा किया है ना, अब दो दिनों तक मैं यहीं रुकने वाला हूँ। आप भी ना हर बार ऐसा ही कहते हैं, लेकिन रुक कर भी क्या फायदा? अब नखरे क्या दिखा रही है? हाँ, बोला ना रुकूंगा। जा जाकर जल्दी से नहा ले, फिर मजा करेंगे दोनों। बहुत दिन हो गए हैं, जा जल्दी। अरे बहन जी बहन जी, अरे बहन जी बहन जी, पैसे तो देते जाइए। अरे बहन जी बहन जी, ऐसे कैसे अंदर घुस आया? शर्म नहीं आती? जान पूछ कौन अंदर घुसा? क्या हुआ? देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, दिन दहाड़े ऐसे ही लेडीज बाथरूम में घुसाए ये लोग, सबक सिखाइए ने। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या चल रहा है? एक दिन दहाड़े आदमी का कल मर्डर हो गया, पूछने पे कहते हो कि ढूंढ रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो बोल दीजिए। जिस गुंडे को आप पकड़ नहीं सके उसे किसी और ने खत्म कर दिया। अगर उस गुंडे को मारा नहीं होता ना तो तुम लोग उसे ढूंढते रहते। इस इलाके में इतना बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? वही पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछताछ करते रहते हो? ऐसी पूछताछ करने से क्या फायदा जिसका कोई निष्कर्ष ना निकले? सर लॉ एंड ऑर्डर के इंस्पेक्टर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं वो। उनको थोड़ा वेट करने के लिए बोलो। ठीक है, उनको आने के लिए कहो। जी सर। इंक्वायरी के नाम पे समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे ऊपर भी तो जवाब देना पड़ता है। मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ सर। लॉ एंड ऑर्डर से। ओके इंस्पेक्टर मारुति। ओके प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। बताइए कैसे आना हुआ? सर मेरे स्टेशन के इलाके में दो मर्डर हुए हैं, उसी सिलसिले में बात करनी है।
आपने आने में बहुत देर कर दी मिस्टर मारू। जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं उसने पहले उसको मार डाला है। सर ऐसी बात है, इससे पहले कि वो शहर छोड़कर भागे उसे पकड़ना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं सर, ये एक केस है, वही है। यहाँ लेकर आओ। एक काम करिए, इस इलाके का चार्ज संभाल लीजिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं तालपुर का हूँ। और तू कहाँ से? सर मैं भी तालपुर से ही हूँ। मैं पहले तारापुर में रहता था। हाँ सर, पहले ये तारापुर में रहते थे लेकिन अब तालपुर में रहते हैं। ए, मैं तारापुर से तालपुर आता जाता रहता था। सर इनकी जहाँ मर्जी वहाँ रहे लेकिन रहते हैं ये तालपुर में। ए, मेरा राशन कार्ड तारापुर का है, तालपुर का है। ए, है? तेरा तो राशन कार्ड भी नहीं है। बोल रहा है, तुझे क्या पता है? बताता हूँ मैं तुझे। ए, सर, सर, हाँ, सर मैं तालपुर का हूँ और ये तारापुर का है। सर सर मैं भी तालपुर का हूँ और ये भी तालपुर के ही है। सर यही दोनों उस क्रिमिनल के साथ थे, इनके अच्छे से धुलाई करेंगे तो सब बता देंगे। ये फंस गए हम लोग, फंस गए, बुरे फंस गए। तुम्हारे वो साथी कहाँ है बताओ? हमारे साथ कोई आता है कोई जाता है, हमारे नेटवर्क कनेक्शन के लिए कौन आता है कौन जाता है पता नहीं। सर आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, हम कैसे बता सकते हैं सर है कि नहीं? एक लगाऊंगा ना, आप क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। शराफत से बताते हो कि दूसरा तरीका अपनाओ। सर आप बड़े आदमी है, डंडा क्यों उठा रहे हैं? सर हमें जो पता है हम बता देते हैं आपको। सर वो मालिक उसका नाम वही है ना, वो अरुण। अरुण है सर। और सर उसका कोई नाते रिश्तेदार कोई जानने वाला नहीं है सर, वो अनाथ है सर। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था सर। बेटा बेटा आ खा ले, ये ले। दादा 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 क्या हुआ दादा? बेटा जैसे तेरे माँ बाप छोड़कर चले गए वैसे अब मैं भी जाने वाला हूँ। मेरे जाने के बाद तू शहर जाकर कोई काम आम कर लेना बेटा। सर ऐसे थोड़े होता है। वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो उसकी जीवन गाथा बता रहे हो तुम? हाँ उसके साथ तेरा क्या संबंध है वो बता। मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है सर, वो मेरे लिए काम करता था बस इतना ही है। अच्छा हाँ, तो तू उसका मालिक है? हाँ? मतलब उसके सारे कामों का जिम्मेदार तू है? हाँ? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो पता है बता देता हूँ। अरे जरा धीरज रखो भाई, दिखाई नहीं दे रहा सर यहाँ पर कब से खड़े हुए हैं? इनको भूख लगी होगी, जल्दी जाके चाय समोसा लेके आओ। भैया आपने सही कहा था ना? अब मैंने कब कहा था? कब कहा? इंस्पेक्टर से तू समोसे मंगाएगा? अबे मैंने कब कहा? मालिक हर कोई मुझे मार रहा है, मैं सबको सच बता देता हूँ। तेरी जुल्फों में खो जाऊं, तेरे दिल को अपना आशियाना बना लूं। ला 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 ला। थोड़े दिनों में करुणा में नेटवर्क गायब हो जाएगा। करुणा में नेटवर्क की उन्नति के लिए तुमने क्या किया है? तू अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा, ये ले पिछले 5 महीने का बकाया। लक्ष्मी आ गई। उसके साथ खाना मत खाना, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया मस्त बिरयानी खिलाऊंगा, ठीक है? भैया मेरे लिए बिरयानी? तू अभी छोटा है, तुझे बिरयानी हजम नहीं होगी। जब देखो लड़कियों के आसपास चक्कर लगाता रहता है, काम पे ध्यान दे वरना बहुत पिटेगा तू, समझ गया बेटा? सर स्टैंड। पागल कहीं का, अपनी ही धुन में जा रहा है। काम के लिए एक आदमी चाहिए। करुणा में केबल नेटवर्क, ओ कनेक्शन देने का काम होगा। चलो कोई भी काम हो चलकर देख लेते हैं। सर आजा आजा आजा। काम के लिए एक आदमी चाहिए ऐसा मैंने बोर्ड देखा, इसलिए आ गया। ओनर से मिल सकता हूँ? मेरी शक्ल ओनर जैसी नहीं है क्या?
सॉरी सर, कुछ लोगों को देखने से पता चल जाता है और कुछ लोग बताते हैं तो पता चलता है। अब पता चल गया। शुरुआत ही गड़बड़ है। ओनर से ऐसे बात कर रहा है तो आगे क्या करेगा? चल ओके सर। क्या सोना, कैसा था इंटरव्यू? भैया बोर्ड लगाए हुए 1 साल हो गए, पूरा शहर ये जानता है कि आप तनख्वाह नहीं देते हैं। ये कहीं बाहर का लग रहा है, इसी को बलि का बकरा बनाते हैं। अबे बात बहुत करता है वो। बात करेगा तभी तो कलेक्शन कर पाएगा ना। हाँ सही कह रहा है। हाँ अच्छा अच्छा लेके। ठीक है भैया। दोस्त, ए दोस्त इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ, आ रहा है ना? आ रहा है, बात करो। काट देना बकरा। हाँ मुझे बुलाया सर? बेबी ने कहा कि लड़का देखने में बहुत शरीफ लग रहा है, इसलिए काम पर रख लो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अरुण सर। अच्छा है। साइकिल चलाते हो? चलाता हूँ। बाइक भी चलाते हो? चला लेता हूँ। लाइसेंस है? नहीं है। इसका मतलब है तुम अपार्टमेंट? उसे अपार्टमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट कहते हैं। अबे मुझे सब पता है, मुंह बंद कर अपना। पहले काम पर ध्यान दो, तनख्वाह की बात बाद में करेंगे। ए, इसे अपने साथ ठहरा ले और अच्छे से काम भी सिखा दे। एक और जरूरी बात, 24 घंटे सेवा का मतलब है कि घर में जाकर के सिर्फ टीवी कनेक्शन देना है और कुछ नहीं, समझ गया बेटा? ये बोल भी कौन रहा है? अबे तू क्या बड़बड़ा रहा है, जाके अपना काम कर और चुपचाप इसे काम भी सिखा। चल निकल ले, मुझे सोना से ऑफिस के बारे में बात करनी है। देखो सोना, क्या है कि बिरयानी खाने के बाद हम दोनों, अबे निकल ले। ए बच्चो, ओए कनेक्शन दे दिया है, साफ दिख रहा है क्या? जाके पूछ किया। अरे कनेक्शन दे चुका हूं बे, कितनी बार बुलाना पड़ेगा? अबे सुबह सुबह क्या सो रहा है तू? ए अरे उठना, भैया को पता चलेगा तो नाराज हो जाएंगे। चलो। अरे वो यहाँ कभी नहीं आने वाला, वो वहां पे बैठ के उस सोना को सहला रहा होगा। मैं जानता हूँ ना उसकी आदत, काम करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। ए भैया हम पे भरोसा करते हैं यार, चल काम करना। ए मुझे यहाँ पर आए पूरे 10 साल हो गए, तब से मैं यही कपड़े पहन रहा हूँ। अरे वो खाना तो ठीक से देता नहीं है। तू भी ज्यादा काम वाम के पीछे मत पड़, समझा ना? चल तू भी आके सो जा। खाने से याद आया क्या, आज शुक्रवार है ना? हाँ तो चल चल मंदिर चलते हैं। अरे नहीं बच्चू, मुझे इन सब की आदत नहीं है, एक काम कर तू ही जा। ए, कौन सा, मैं शराब पीने के लिए बोल रहा हूँ, मंदिर चलने के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात मान, वहाँ का हलवा खा लिया ना तो रोज वहाँ खाने जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ तुझे। इतना अच्छा होता है क्या? हलवे से ज्यादा तो मैं वहाँ लड़कियाँ देखने के लिए जाता हूँ। चल 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 ठीक है चलते हैं। सुनना, जम्बो ने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा करो, एक्सेप्ट कर लेना। वाह बेटा अरुण, बहुत खराब है, एंट्री दी है। चल अब शुरू हो जा, चल 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 जल्दी। कहाँ गई होगी? अरे रुक जाओ जाने वाली, रुक जा, मैं तो रही तेरी मंजिल का। क्या बात है अरुण, पहुंच गया। चल बढ़िया है, अब शुरू हो जा फटाफट। अरे हाँ यार, अरे मैं तो आ गया, तेरे लिए तो आया हूं, देख तो सही मेरे पास। ओहो अच्छा सुना, तू यहां पर आया है क्या? अरे क्या हो गया बोल तो सही, सिग्नल नहीं मिल रहा है क्या? अच्छा सुना, अरे मुझे देख तो सही, देख कर भी अंधेरा करके जा रहा है तू। अब सिग्नल मिल गया क्या? मेरी बात सुन, मत जा, रुक जा। अरे बाप रे, ये तो आ गई। हे तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था जी। देखो झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह पता है तुम मेरे पीछे हो, अगर और एक बार मेरे पीछे आए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे छोड़ मुझे, सुनो तो। कौन है वो? हाँ ये केबल टीवी में काम करता है। ओहो तो तुझे भी कनेक्शन देने की सोच रहा है बिना। बेटा अरुण पीछे मत हटना, फॉलो कर, फॉलो कर। डर डर। तुम देखना, उसे ऐसा धमकाया है ना कि वो जिंदगी अच्छा? में कभी मुझे फॉलो नहीं करेगा। सच बता ना, लगता है आजकल तेरे घर का कनेक्शन अच्छा हो गया है। हाँ हाँ अच्छा हो गया है अब। एक
एक बार कहने से बात समझ नहीं आती। अरे जरा इज्जत से तो बात कीजिए। तुम्हारी कैसे इज्जत मवाली कहेगा? क्या कहा? मैं मवाली हूँ? कल ही मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा पीछा मत करना, पर आज फिर से वही, तो मवाली कहूँगी ना। अगर ऐसी बात है तो कोई टेंशन नहीं, जो चाहे बोल लीजिए। अरे हाँ, ये लड़का भी ना। ए, तेरे पापा आ रहे हैं, चल। अरे बाप रे, लगता है फंसा दिया इसने। चल बेटा निकल। सुनो, आप केबल वाले हो ना? जी हाँ सर। मेरे घर में केबल कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है। हाँ। तुम जरा देख लोगे? ठीक है सर, मैं आके देखता हूँ। ओके ठीक है। देख अरुण, मेरे लिए एक बड़ी और तुम दोनों के लिए छोटी वाली, समझ गए? ये क्या भैया? भैया की चिंता ज्यादा है, इसे हाथ मत लगाना। इधर आना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मटकता रहता है, बैठना जल्दी ला दे। क्या बात है भैया, आज शराब लेके यहाँ आ गए हैं? अभी ने घर से पिटाई करके भगा दिया है क्या? बेटा तू तो जानता ही है, तेरी भाभी अमावस के दिन चुड़ैल बन जाती है। बिल्कुल। इसका मतलब इस महीने की आपकी पांचवी अमावस है। चुप करना। बच्चों तुम लोगों ने खाना खा लिया? नहीं भैया। तू पीने से पहले झूठ बोलता है कि खाना नहीं खाया, तेरे बारे में सब जानता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, दूध वाले का पैसा बाकी है, केरोसिन वाले का पैसा बाकी है, गैस वाले का पैसा बाकी है, ये सब मेरी पत्नी ने देख लिया तो चप्पल से मारेगी मुझे। अरुण और बच्चू ने खाना नहीं खाया इसलिए मैं ये शराब लेकर क्या गया। भैया दो दिन पहले तो सारा पैसा लेकर गए थे और आज कह रहे हो कि पैसे नहीं है। अरे वो सब क्यों पूछ रहा है, जो रखिए चुपचाप पी ले। चलो ठीक है, चीयर्स। मेरी एक बात सुन, उस दिन 5,000 लेकर बागीचे की तरफ गया तो उस समय वहाँ पर क्या हुआ है पता है तुझे? अबे वहाँ क्या देख रहा है, ऊपर देखना तब फ्लैशबैक दिखेगा तुझे। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, अरे मैं मन चला किधर चले रास्ता, अरे रे 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 मैं मन चला किधर। अरे कौन हो तुम? कौन हो? ए तेरे पास जो कुछ भी है सब बाहर निकाल। अरे भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, सोना इतना महंगा है कि कौन खरीदेगा, बाकी जो सोना था बैंक में गिरवी रखा हुआ है, रसीद देता हूँ जाकर छुड़ा लो। हमसे झूठ बोलता है। अरे देता हूँ, मेरी जेब में कुछ नहीं है। अरे क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, देखा यही है बस बस। अरे तुम लोग पागल हो, भला 30 रुपए के लिए कोई लड़ाई करता है? 5,000 रुपए कच्चे में है मेरे, इसके लिए लड़ रहा था मैं। ये ऐसा नहीं मानेगा। अरे नहीं नहीं गलती हो गई, अरे कुछ नहीं है, छोड़ो। अरे अरे अच्छा फट जाएगा, रुको रुको। ये हम ही से दिखाता है, बाकी लोगों से तो ये मार खाता है। अच्छा तू करुणा में नेटवर्क का मालिक कैसे बन गया है? अच्छा तू ये बता, आखिर तू इतने बड़े नेटवर्क का मालिक कैसे बना? तेरे से तो कपूर भी नहीं खरीदा जाता है। बच्चो तनख्वाह देने वाले मालिक हैं ये। तनख्वाह देगा तभी तो मालिक बनेगा, कभी देता है क्या? तूने तनख्वाह दी क्या कभी? नहीं। देखा ना, ए, इसकी मेमोरी बहुत कमजोर है, सवेरे तक सब भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा ना? बच्चो मारना मत, गलत बात है। देखो अगर बच्चू को कुछ कहा तो सिर तोड़ दूंगा। चल दे इसको, दे। सही कहा ना मैंने? ये मेरी जान है। तेरी जेब में पैसे है ना, निकाल उसे। अरे निकाल ना, डाल मेरी जेब में, डालना। चल मार ना, सब कुछ करेगा ये। चल सो जा, ये जेब में क्या है? नहीं आएगी। बच्चू मेरी बीवी नहीं आएगी। चल मार इसको, चल। अरे वो करुणा में नेटवर्क। अरे सो जाओ ना, चुप जा, मूड खराब कर दिया यार पूरा। ए भाई गुड नाइट। हां हां चल गुड नाइट, गुड नाइट। मुसीबत है, गया गया। लगता है आज भी राशिफल नहीं देख पाऊंगी। पता नहीं कैसा कनेक्शन देते हैं ये भी ना, इन्हें ना छोड़ूंगी नहीं मैं। आने दो, बराबर करती हूँ। पीकर अब तक सो रहे मवाली। अरे
भाग्य आ रहा ना पैरटा। अरे उधर जाओ ना। ए मवाली, ए मवाली उठ। अरे चुड़ैल की तरह आकर क्यों खड़ी हो? मेरी पत्नी आ गई, अभी आ गई। अरे ये तो ये। मेरे पिताजी ने कहा था ना कि चैनल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी तुम आए नहीं। हर महीने पैसे लेने तो बराबर आ जाते हो। जैसे बहुत बड़ी जायदाद दे देते हो ना। ज्यादा बकबक की ना तो सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। ए, इसका कुछ बाकी वाकी रह गया है क्या? महीने से इसके बाप ने कुछ भी नहीं दिया। केबल का वायर लेके आ, लड़की वड़की नहीं देखूंगा, बांध के धुल दूंगा। क्या कहा, तुम मेरी धुलाई करेगा? अपनी उम्र से आधे लड़कों के साथ शराब पीता है। अरे बहुत बोल रही है। तू और तेरा केबल का ऑफिस दोनों बर्बाद हो जाएंगे। भैया ये क्या बोल रही है? कोई बात नहीं, मेरी पत्नी जो है ना वो इससे भी ज्यादा बोलती है, जानता है। सीरियल में दिख पाई उसका गुस्सा ही। सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ। टेंशन मत लो, केबल साफ नहीं आ रहा ये बोलो, सीरियल छूट गया तो फिर देख लेना। लेकिन ये बताओ, हम लोग यहाँ बैठ करके पीते क्यों हैं? हम यहाँ बैठ कर मस्ती क्यों करते हैं? ये सब नहीं पूछ सकती हो? तुमने इतनी घटिया ड्रेस पहन रखी है, हमने कुछ कहा क्या? शराबी कहीं का अपनी पत्नी के मार से बचने के लिए यहाँ पीकर पड़ा है। पता नहीं मुझे क्या सूझा और मैंने कनेक्शन तुमसे करवाया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तू कैसा मालिक है ये? जाओ जाओ, तारापुर में पिछले 3 साल से खिताब मैं ही जीत रहा हूँ। भैया उस लड़की से झूठ क्यों बोल रहे हो? अबे रुक 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 रुक, हर दिन मैं अपनी पत्नी से पिटता हूँ, ये बात लीक कैसे हुई बेटा? तू केबल में तो नहीं डाल रहा है? हमारा केबल तो आता नहीं है। ये भी सही है। बेटा जाके एक क्वार्टर लेकर आ, गायत्री के डांट का पूरा नशा उतर गया। अरे कनेक्शन दो जल्दी से। कनेक्शन नहीं दिया तो झाड़ू से मारेगा क्या? चल रे केबल लगा। भैया प्याज कैसे है? 20 रुपए किलो है। भैया 2 किलो प्याज देना। मैडम केबल ठीक से दिख नहीं रहा है, इसलिए सर ने देखने के लिए बोला। केबल बहुत दिनों से खराब है, तुम अंदर जाकर देखो, तुम अंदर जाके सर से पूछो। ठीक है मैं देखता हूँ। मेरा ही दिल निकाल कर रखा है। मुंह देख, बंदर की तरह लगता है। कैसे संभालने वाला हूँ? अब इससे क्या हुआ है? ओके डन। आज कुछ भी करके गायू को देखना ही होगा। गायू कहाँ होगी? वाली कहीं का, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेडरूम में घुसा है? जब तुम मुझे फॉलो कर रहे थे तभी पता चला था कि तुम बहुत घटिया हो। तुम्हारी माँ के कहने पर टीवी ठीक करने आया था, तुम ही आकर मुझ पर गिरी और अभी मुझे मार रही हो, पागल कहीं की। लगता है तू अपने जाने मन से मिलके आया है, अब तू रोज जाया कर। हाँ नहीं यार, आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। तू चाहेगा तो भी वो तुझे नहीं छोड़ेगी। कल मैंने उस पर हाथ तो उठाया पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे मैंने कहा था ना, बैठ, उसे देखे भी नहीं निकल जाएंगे। देख देखा, मैंने कहा ना नहीं देखूंगा। जान दे उस पर ध्यान मत दे। ए उसकी सहेली भी तो कमाल की है यार। ए मवाली, निपट तो नहीं गया था ना? अच्छा बुला रही है। ए मवाली देख तुझे बुला रही है। अबे तुझे ही बुला रही है। हां हां तुम इधर आओ। ऐसे मानने वाली नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, लेकिन क्या करें? सब कुछ तो कर चुका है, अब क्या करेगा? ए मवाली, तुम्हें क्या अब सुनाई भी नहीं देता? देखो मेरा नाम मवाली नहीं है, अरुण है। सुनो तुम्हारा नाम कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें मवाली बुलाऊंगी। मुझे देखने से आपको ऐसा क्यों लगता है? हमेशा मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहती हो। क्योंकि तुम्हारी शक्ल से तुम मवाली लगते हो इसलिए। अच्छा सुनो, कल जाने बिना तुम पर हाथ उठाया इसलिए सॉरी कहना था मुझे, सॉरी मवाली। चलो चलते। अरे क्या बोल रही है यार, आज रात को भी लड़ने के लिए आएगी? चल, अच्छा सुनो, अगर कोई बहाना बनाकर मेरा पीछा किया तो, आया तो क्या चप्पल पड़ेगी। ए, तेरे पास तो है, फिर वो तुझे क्यों दे रही है? बच्चू कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा रख लेंगे। हाँ बाथरूम में पहनेंगे हम लोग, चलो। शुरुआत में ऐसे ही होता है। अरे बच्चू सिगरेट कौन पी रहा है? सिगरेट पीने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यार, मुझे भी। ये अपने सामने सिगरेट पीता हुआ आ ही गया,
तेरी तो बैठ तक ले। मैंने बोला ना सिगरेट पीने वाले मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ए बच्चों इसको सिगरेट नीचे डालने को बोले यार। चल नीचे डाल जल्दी। अबे नीचे डालना। चल तेरे तो। अरे बच्चों चल। अबे गाड़ी में बैठ। हाँ गाड़ी में बैठ जा। अरे कौन है बीच में यार? ए अंधा है क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। ये क्या लिखा है? गायत्री देखा ना? हाँ। हे बच्चों गायत्री मेरी डार्लिंग। तेरी डार्लिंग हमेशा तुझसे टकराती ही रहती है। बच्चों वो मेरी जान है, उसके लिए इज्जत से बात करा। लड़कियों को हमेशा सहनशील होना चाहिए। तुझे एक बात बता रहा हूँ। सही का। और गाड़ी को ना मेन रोड पे धीरे चलाना चाहिए। सही का। क्यों समझ गए ना? इन दोनों में से एक भी बात नहीं माने। खैर चलो वो सब जाने दो। एक बात बता, उस दिन मैं अपनी मर्जी से तेरे घर आया था। गया था ना मैं? तूने और तेरे चश्मिश बाप ने बार बार आने को बोला था, इसलिए आया था। अच्छा मैं भी तुम्हारी बात मान के आ गया था। अच्छा चल घर तो आ गया। लेकिन मुझसे तू ही तो आकर टकराई थी ना? क्यों? लेकिन फिर भी मैं कितना डिसेंटली पीछे आ गया था। सही कहा भाई। ये भी जाने दे, लेकिन तूने मुझे नीचे थप्पड़ क्यों मारा? बोल नीचे उतर नीचे। थप्पड़ क्यों मारा? ये तो सच में नीचे आजा यहाँ भी आ गई क्या? ए बच्चों जरा देख तो इसको। हाथ में किताब उठा ली और एक सहेली के साथ खड़ी हो गई। वो मेरी वाली है। अरे दोनों एक ही बात है तो फिर ठीक। अच्छा सुन, पूछने के लिए जाओ तो चप्पल उठाती है और मारने लग जाती है। नीचे डाल। अगर लड़की का पीछा लड़का करता है तो ही उसका डिमांड है, नहीं तो उसको कोई नहीं पूछता। वाह पंचना, अपने आप ही आ रहा है, निकल रहा है अंदर से। हाँ तुम चाहती हो कि कोई तुमको ना देखे तो पूरी तरह से खुद को ढक के चला करो। नहीं तो तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल यहाँ से। चल देखो कुछ तो कह रही है। मेरी मत मारी गई थी जो इससे प्यार किया मैंने। प्यार के लिए मैं कुछ भी दिला सकता हूँ। अरे यार एक हाफ बोल यार। यहाँ का ऑमलेट फेमस है यार। अरे नहीं यार हाफ बॉयल। ये यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है। आराम से बस आजा आगे से मेरी बात मानना। चल यहाँ से। चल गुस्से में बिना पानी मिलाए पी गया। चल मेरे साथ में लेके ले जाएगा। अब पानी चल ठीक है ठीक है, तू बहुत थक गया होगा। मेरे कंधे पे बैठ जा, आजा। अबे एक बात बता, हमारी कंपनी में काम करने वाली सोना के बारे में क्या सोचते हो? मेरे सोचने के बारे में छोड़, वो सोचो कि तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। अरे मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ लेकिन फंसी नहीं रही है। तेरे पास कोई आइडिया है क्या? भैया हमारे शहर में एक नई फिल्म लगी है, तू 20 की मैं 60 का नाम है उसका। अच्छा आप जाके उसे अकेले देखिए, जरूर से कोई आइडिया मिल जाएगा। ऐसा कहते हो? बासी कड़ी में उबाल आ क्या कहा? कहते हैं बुझने से पहले दिया बहुत तेज जलता है। अरे हंसा क्यों बे? हेलो क्या कहा? वो फिल्म 10 बजे चलाऊं? नहीं हम फैमिली फिल्म ही चलाने वाले हैं। टाइम नहीं बदलेगा, 10 बजे ऐसी फिल्म नहीं चला सकते। रखिए कौन है? पता नहीं कौन है जो हमारी वीकनेस जानता है, 10 बजे फिल्म चलाने के लिए कह रहा है वो। भैया भाभी अभी तक खाना नहीं लाई। तू अपना काम कर। अचानक कभी कभी वो चुड़ैल आती है ना गायू, वो आ जाए क्या? वो मत पूछिए भैया, आज शाम को बस स्टॉप पे उसकी खूब क्लास ली है इसने। क्यों क्या? मैंने ऐसा किया? ए, तू नशे में था इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। नशे में था? इस कनेक्शन करुणा को छोड़कर तुम दोनों ने अकेले में शराब पी? अब वो बात नहीं थी भैया, वो तो बस अब... आ गई। ए मवाली तुम्हें समझ में नहीं आता, सड़क पर कोई ऐसे बात करता है? क्या बोल रही है? मेरी बात सुन, पब्लिक थी इसलिए छोड़ दिया तुम्हें,
वरना मार मार के तुम्हें सुझा देती। क्या बोल रही हो तुम? दोबारा अगर मेरा पीछा किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आना आ, क्या कर लेगा तू? हाँ चुप करो, जाने दे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, समझा कर मेरी बात सुन। अरे सुन, क्या कर रहा है? ये तो हमारे सामने किस कर रहा है? लोगों को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा, क्या करें? भैया कहीं केबल में लीक ना हो जाए। तुम करते रहो, हम कुछ नहीं देख रहे। क्यों बोल रहा है? सब कुछ तो देख रहे हैं हम। नहीं देख रहे बोल के देखना चाहिए, समझे ना तुम? अब करते रहो, करते रहो, करते रहो। हमने कुछ नहीं देखा। आ रहा है। Congratulations! Hey, congratulations बोलते हैं। हाँ भाई। Hey, तेरे इश्क में पागल हुआ मैं। कल जब गुस्से में मेरी सोना मेरे पास आएगी ऑफिस में, तो मैं उसे कस के पकड़ के चूम लूँगा। तब तो चप्पल से मार खाना पक्का है। प्यार में चप्पल भी चलता है यार। खाऊंगा तभी तो मिलेगी। कविता बताना, हम आईना क्यों देखते हैं? हम कितने सुंदर हैं ये देखने के लिए। ये देखने के लिए कि हम सुंदर हैं या नहीं? हाँ, इसका मतलब सुंदरता बहुत जरूरी है। हर कोई अपनी अपनी तरह से सुंदर होता है। मतलब सुंदरता जरूरी है ना? सुंदरता और साफ दिल दोनों जरूरी है। अगर अच्छे मन के साथ सुंदर भी हो तो? ओहो, अच्छा मेरी माँ मुझे माफ कर दे, गलती से रात के समय आ गई, मैं चलती हूँ। बाय बाय। कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में शायद ही कोई हो जो मदर टेरेसा जैसी महान शख्सियत को नहीं जानता होगा। मानव कल्याण हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा ने निस्वार्थ भाव से मानव समाज की सेवा की और कई लोगों की वो प्रेरणा स्रोत भी बन गई। और ऐसे ही एक इंसान हमारे बीच मौजूद हैं जो मदर टेरेसा से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने भी मानव समाज की बहुत सेवा की है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु आमंत्रित करूंगा मिस्टर चंद्रशेखर जी को। तालियों से उनका जोरदार स्वागत कीजिए। मिस्टर चंद्रशेखर जी अपनी संस्था के द्वारा लोगों की लगातार सहायता कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के विद्यार्थियों और विद्यालय में काम करने वाले सभी को नमस्कार कहता हूँ। मेरी बेटी का नाम ऐश्वर्या था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। उस एक्सीडेंट में उसका बहुत खून बह गया था। उसके खून के लिए मैं बहुत भटका, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि एक रेयर ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम AB है, डॉक्टर ने कहा। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन AB ग्रुप नहीं मिला। आखिर में मुझे वो ब्लड मिल गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप आधे घंटे पहले ये ब्लड लेकर आते तो आपकी बेटी को हम बचा लेते सर। अब तो बहुत देर हो गई। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मेरी तरह ही किसी को भी ऐसे हालात से न गुजरना पड़े, इसीलिए मैंने इस संस्था की शुरुआत की। आप लोगों से ब्लड लेकर ब्लड बैंक की तरह मैं आपके ब्लड को जमा करके नहीं रखता, बल्कि आपके ब्लड ग्रुप का सैंपल लेकर आपका नाम, पता और एड्रेस लेकर रजिस्टर में मेंटेन करके रखता हूँ। हमारे वैल्यू ब्लड इन्फो बैंक का यही उद्देश्य है। जो ऐसी घटना से प्रभावित हुए हैं और जो लोग भविष्य में प्रभावित होने वाले हैं, उनकी भलाई के लिए ये संस्था काम करती है। महापुरुषों ने कहा है, जब तू किसी पढ़े लिखे की मदद करता है तब तू इंसान बनता है, लेकिन जब किसी अनपढ़ की मदद करता है तब तू महान बनता है। ये सच है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि महान नहीं तो कम से कम इंसान तो बन ही सकते हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप ही इस संस्था से जुड़ जाएं। आप सभी का धन्यवाद। अपना नाम बताइए। निशा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। मोबाइल नंबर 9840533087। ब्लड ग्रुप बताइए। B नेगेटिव। नाम बताइए।
नाम गायत्री। हाय बेटा। हाय आंटी। थैंक यू। योर नेम? निम्मी। नाइस नेम। बाय बाय। गायत्री गायत्री। हाँ बोलिए आंटी। मैं कल मंदिर नहीं जा पाऊंगी, तुम जा रही हो? हाँ। क्या? हाँ मैं तो जा रही हूँ। कल मंदिर जाने से पहले मुझसे एक बार मिल लेना। हाँ। भूलना मत। हाँ जरूर आंटी। क्या आंटी, केबल टीवी साफ दिख नहीं रहा था कह रही थी, अब तो दिख रहा है ना? तुमने ही तो आकर ठीक किया था ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, सुबह सुबह ही आपकी मीटिंग शुरू हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हर हफ्ते मैं और गायत्री मंदिर जाते हैं, इस हफ्ते मैं नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए सोच रही थी कि चढ़ावा इसी के हाथ में दे दूं। ओह ये बात है। बस यही बात कर रहे थे। देखो बेटा मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट। ये लो प्याली बच्ची और ले मेरी जानू, मुझसे नालाज हो क्या? बोलो ना। मुसीबत है। मेरी लाज को माले, मुझसे बात कर ना। ज्यादा नाटक कर रहा है। मैं तुझे एक पप्पी दूंगा, तू भी मुझे एक पप्पी दे दे। अरे बच्चा तू इतना शर्माती है, मुझसे बात कर वरना मैं पप्पी लूंगा। जो पहले दी वो काफी नहीं थी क्या? ओके मैं तुझसे कल मिलता हूँ। हाँ अबे अब चलेगा भी? अंकल कितने अच्छे हैं ना। आ गई आ गई। तो आ गई। कल प्रोफेसर ने तो जान खा ली। हाँ। गायत्री बस एक मिनट बात करनी है। अरे प्लीज एक ही मिनट बस। बात क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, ये पढ़ लेना बस प्लीज। इसमें मेरे दिल की बात है, प्लीज इसे इग्नोर मत करना, बस एक बार पढ़ लो। अरे अरे माँ जी। अरे अरे क्या हुआ? अरे इधर आओ ना, जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी आओ इधर आओ, अरे जल्दी आओ यहाँ पर। उठाओ जल्दी। आराम से। आराम से। बैठाओ बैठाओ अंदर बैठाओ। चलो चलो मैं भी साथ चल रहा हूँ, चलो जल्दी चलो। ये पकड़ी आराम से, चल भाई हॉस्पिटल लेके चल चल। दे दो चिट्ठी दे दो। मेरा नाम है अरुण, मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था और देखते ही मेरे मन को ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी माँ को देख लिया हो। ऐसा लगा जैसे कि मेरी खोई हुई जिंदगी तुम्हारे जरिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए वापस मिल गई। तुम्हें देखने के बाद पहली बार मुझे जीने की तमन्ना जागी है। मेरा तो बस यही सपना है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ इसी तरह तुम्हारे साथ ही रहूं। Hey, फिल्मों में जब से मंदिरों की सीढ़ियों के चढ़ने के बारे में दिखाया तब से सब यही फॉलो कर रहे हैं। सही कहा ना मैंने, फिल्मों की बातें लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, है ना? अच्छा वो देख आ गया, अच्छे से दर्शन करने मिले, है ना भैया? हाँ? तुझे बुला रही है। कैसे हो भैया? अच्छा हूं, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया। तुम्हारा बच्चा है? हाँ लड़की। अरे है। बच्चा क्या नाम रखा है इसका? नाम रखने के लिए ही मंदिर आए थे, आप ही कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। अरे मैं क्या नाम रखूंगा, तुम ही रख लो ना। आज हम दोनों आप ही के कारण जिंदा है भैया, मैं चाहती हूँ कि आप ही इसका नाम रखें। बेटा आपको जो नाम पसंद हो आप वही रख दीजिए। ठीक है। गायत्री 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 ये लीजिए। बहुत अच्छा नाम है भैया। किसका नाम है आपकी माँ का? Hey, सच में? चलते हैं बेटा। ठीक है भैया। हाँ तुम जाओ। बच्चों मान गई यार। अरे पढ़ गई। अरे रुक जा रुक जा, तू क्यों खुश हो रहा है बे? अबे तेरी वाली मान गई तो मेरी वाली भी मान जाएगी ना। अरे मतलब डबल ओके। Yeah!
हमेशा रोमांस के मूड में मत रहा कर यार, हम पे भी ध्यान दे। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस मुझे उसके बाप से नागेश से बहुत डर लगता है। बच्चू तेरा काम हो गया क्या? अबे तू निकालना जल्दी। हाँ निकाल रहा हूँ ना। ये भाई वो देख दुकान अच्छी है, इसके सामने क्यों दे रहा है? क्या तू भी डरता है? कुछ नहीं, ये बस बच्चू पोस्टल सर्विस है। ये सब नहीं करूंगा तो अपना काम कैसे चलेगा, अपना जेब खर्चा कैसे निकलेगा भाई? हाय बच्चू। हाँ सब ठीक है ना? काम हो गया ना? हाँ हो गया ना, पैसे निकल जल्दी। ए ये सब क्या हो रहा है बे? ठीक है। अरे कुछ नहीं भाई, जब मैं केबल कनेक्शन करने के लिए किसी के घर जाता हूँ ना, तो वहाँ इनकी गर्लफ्रेंड, ए सुना, इनकी गर्लफ्रेंड्स को मैं इनका लेटर दे देता हूँ और उसी के मैं पैसे चार्ज करता हूँ। ये क्या करने लग गया तू? ये तो गलत बात है। ए, जो पैसे हमें मिलते हैं उससे हमारा खर्चा चलने वाला है क्या? जरा बता तू। सुन एक बात तुझे बताऊँ, ये दोनों जिस लड़की से प्यार करते हैं ना, वो एक ही है। अबे तू भी ना दोस्त है, जाके दो अच्छी चाय लेके आ, जल्दी जा। लेके आ जल्दी आ। हाँ ठीक है जा। ए, बेवकूफ बनना गलत नहीं है, बेवकूफ बनाना गलत है। ए, अरे दोस्त यार तू अभी बच्चा है यार, तुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा कौन मैं बच्चा? और क्या भी ना यार, बस यही सुनना बाकी रह गया था। चल चाय पीते हैं यार। भैया चार चाय दो यार। चाय के बाद चिप्स और कोल्ड ड्रिंक हो जाए क्या? मुफ्त में दिलाओगे तो कुछ भी पी सकता हूँ, लेकिन इस दुकान की चाय के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा है। चल सिर्फ वही पिला दे। गायत्री बोलो ना। देखना अब ये भाग जाएगा। क्या कहा? क्या पिज़्ज़ा कह रही हो? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं मैं इन्हें छोड़ के नहीं आ सकता अभी। अरे नहीं। ए, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। वाह ये हुई ना बात। चाय उठाना जल्दी। हाँ देता हूँ। पेपर पढ़ता रहता है तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। ये ले अरुण चाय। हाँ क्या वो? अबे भाग क्या, क्या? बेवकूफ बनाना गलत नहीं है, बेवकूफ बनना गलत है। अच्छा क्या लोगे तुम? ओके एक काम करो, मैं उन्हें चाय की दुकान पर ही छोड़कर आ गया, क्योंकि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। वो बच्चू तो मेरे खून का प्यासा हो गया होगा। पागल कहीं का फोन कट कर दिया समझकर खुश हो रहा था पागल। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। खाओ ना। तुम भी ना। खाओ खाओ। अच्छा एक बात बताओ, मुझे देखकर तुम हमेशा मवाली मवाली कहती हो, क्या मैं सच में मवाली लगता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलना। कुछ दिनों बाद इसकी हालत भिखारी हो जैसे होने वाली है। वो लड़की इसे मवाली कहती है। उस बच्चू के साथ तो मैं बस चाय की दुकान और शराब की दुकान पर ही जाता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पिज्जा स्टोर में पहली बार आया हूँ। वो लड़की खुद पिज्जा खाने इस बेवकूफ के साथ पहली बार इस दुकान में आई है, ये बात शायद ये बेवकूफ नहीं जानता है। सही कहा। गायू तुम्हारा जन्मदिन कब है? नहीं बस तुम्हें एक गिफ्ट देना था ना, इसलिए पूछा। कनेक्शन करुणा के यहाँ जब से ये काम पे लगा है तब से इसने अपनी तनख्वाह नहीं देखी होगी, लेकिन जनाब को गिफ्ट देना है। एक बार उसे मेरे पास तो आने दो, फिर मैं बताता हूँ उसे। गिफ्ट देगा। अच्छा तुम्हें खाना पकाना आता है? अच्छा ठीक है, नहीं आता। बस खाना आता है उसे। वहाँ देख उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही है वो, बस वहाँ बैठ के भुखड़ों की तरह पिज्जा खाई जा रही है। देखो देखो उसकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते से हड्डी भी छीन के खा जाएगी वो। लेकिन अपना भाई तो उसके प्यार में पागल है ना। अपने हाथ से खिलाओ ना मुझे। हाँ जरूर लो ना। अपना तो वो पूरा चट कर गई, अब उसका खाने के लिए उसके अंदर देखो कैसे रोमांस उमड़ रहा है। ए, अपने हाथ से खिलाओ ना मुझे। अच्छे से जानता हूँ मैं ऐसी लड़कियों को। आगे आगे देखते जाते हो ना। इनको छोड़ो, उनको देखो, उनमें कितना प्यार है। अपने हाथ से पिज्जा खिला रहा है। इन दोनों को कहते हैं सच्चा प्यार, देख लो तुम, है ना? सच्चा नहीं लुच्चा प्यार है। उसके साथ वो जो बैठा है ना वो सब्जी की दुकान वाला बलराम है, और वो जो औरत है ना पंचर बनाने वाले मुकेश की बीवी है। इसे सच्चा नहीं लुच्चा प्यार कहते हैं। बड़ा प्यार की डेफिनेशन देने वाले। और खाओ ना। बच्चू बच्चू हूँ मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? बताता हूँ ना, जब प्यार करने लगता है तो कौन कहाँ आ रहा है ये तुझे दिखता ही नहीं है। सुनो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम सारी लड़कियों को और कोई दूसरा काम नहीं होता है क्या? लड़के के हाँ बोलते ही मंदिर से सीधा यहाँ चली आती हो? हाँ पर्स खाली कराने। ए, सुनो अगर तुम्हें इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है ना तो तुम मुझे भूल ही जाओ, समझे? गायू अब बच्चू मिल गए ना शांति। इतना सब कुछ ऑर्डर करके खाया है, इसका बिल कौन भरेगा? तू है ना मेरा दोस्त। हाँ, आते समय तो खाली हाथ चले आए, यहाँ आने के बाद सिर्फ एक ही फोन आता है दोस्त के पास। ए, आ जाओ हम भी खाते हैं। आ जाओ नहीं तो मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे भगवान खाओ खाओ। इन सब भूखों को मेरा ही दोस्त होना था। तुम क्या करते हो वो भी मुझे पता है। ए, चलो गुंडे आ गए।
से मेरा पीछा कर रहे हैं। हेलो हेलो अरुण, सुबह से कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है अरुण। जल्दी आओ अरुण। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे चल चल गाड़ी। क्या हुआ? अरे तू उतर ना यार। अरे कहाँ जा रहा है? क्या हुआ, कहाँ जा रहा है बता ना। वापस आकर बताता हूँ। चलो बैठ जाओ। जल्दी चलो अरुण, वो हमारे पीछे ही है। वो हमारे पीछे है। जल्दी करो, जल्दी चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा। बच्चू जरा देख तो, कोई देख नहीं रहा है ना? कोई है तो नहीं? कोई ना? नहीं है भैया। मैंने फैसला तो ले लिया, लेकिन मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। देखो खो। अरे यहीं आने के लिए कहा था। अरे कह तो रहा हूँ ना कि यहाँ पे कोई भी नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया है वो। एक सीटी मार के देखता हूँ। भैया गाड़ी वहाँ खड़ी है, चलो चलते हैं। चलो चलो आइए भैया। सब ओके ना? कच्चा पेस्ट सब कुछ इसके अंदर है। अरे बहुत जरूरी था। अरे चलो जल्दी अंदर बैठो, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी निकलो निकलो निकलो। बैठो ना यार, देरी मत करो। चलो 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 चलो। क्या हुआ बोल भाई? हम लोग निकल गए हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सारा सामान ले लिया है, बस मंगलसूत्र लेना बाकी है, वो भी रास्ते में हम ले लेंगे। देख भाई, यहाँ जितने भी प्रेमी जोड़े आते हैं ना, उन सब के मंगलसूत्र शंकर लेता है। एक काम कर, तू आ जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। मदन ये भाई, एक जोड़ा आ रहा है। हाँ देख लेना। देख लूंगा भाई। देख लेना। ठीक है भाई। ड्राइवर गाड़ी रोको यहाँ पे। ए क्या हुआ? अरे मैंने अरे गाड़ी रोकने के लिए कह रहा है यार। अरे रुको यार गाड़ी। अरे कहाँ जा रहा है? यार जल्दी सुनो बच्चों, सुन। अरे 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 सुन, ये कहाँ चला गया? कमीना कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ए बच्चू, अरे रुकना। मार क्यों रहे हो? हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। मुझे ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? चल यार, मैं तो डर ही गया था। मैं तो डर ही गया। दोबारा हाथ मत लगाना ना। क्या बात है? लो नहीं कुछ नहीं कहती मुझसे। क्या बात है? अरे कुछ नहीं कहती, चलो ना। पूछ रहे हो ना कुछ, बताओ। अरे वो क्या है कि गाड़ी इतनी तेज चल रही थी ना, डर के मारे इसको पेशाब आ गया था, वही करने गया था। शैतानी, बहुत लात खाएगा तू। सुबह सुबह उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए। अरे ये क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या? जान से मार दूंगा, आगे से बोल के जाना। हर कोई अपने गुस्से पे काबू कर सकता है, लेकिन पेशाब पे नहीं। इसलिए मैं भी गया था, तू भी तो गया था, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैं तेरी तरह भाग करके नहीं गया था, समझा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे।
अच्छा चलो अब तुम कहाँ जा रहे हो? तेरी टेंशन की वजह से मुझे भी आ रही है। नहीं नहीं गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो चलो क्या कर रहे हो? चलो बैठो गाड़ी में। अरे बैठ ना, तू भी क्या कर रहा है? चल 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 जल्दी चल। हाँ चलो भाई। भैया आप तारापुर जा रहे हैं, वहाँ शंकर नाम का बहुत बड़ा गुंडा है, मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, आपको छोड़कर वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना? शंकर बहुत अच्छा आदमी है, लोगों ने उसके बारे में झूठ बोल रखा है। मेरा बहुत हाथी है भगवान, इसीलिए कहते हैं कि पत्नी के संरक्षण में ही रहना चाहिए। अरे बाप रे, पैर में कांटे चुभ रहे हैं, चप्पल पहन लूं? हाँ अब ठीक है। रास्ते में मुझे अकेला छोड़कर ये यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है कि वहाँ रास्ते में बहुत सारी हाथी हैं, तो तू अकेला छोड़कर क्यों आ गया? हाथी अपने सूंड में लपेट कर उठा ले जाती तो जंगल में ले जाकर मार डालती तो मेरी बीवी का क्या होता? बोल। Hey, सोचा था गोबर करने पे तू उठ जाएगा, लेकिन तू उठा ही नहीं। सारे हाथी तो निकल गए, लेकिन तू जिंदा कैसे बच गया ये मेरी समझ में नहीं आ। अच्छा बेटा, तू मेरी बलि देना चाहता था, ऐसा नहीं होगा। अंदर क्या देख रहा है? बोल, अंदर क्या देख रहा है? अरुण और गायत्री। अच्छा बेटा, तो तू वहाँ से भाग करके यही करने आया था यहाँ पे? उन दोनों को ऐसे देखना ठीक नहीं है। चल मेरे भैया, थोड़ी देर थोड़ी देर देख लूं, बस थोड़ी देर, जरा एक मिनट है, मैं भी देखता हूँ क्या है। तुम देख रहे हो तो सही है क्या? अबे मैं बड़ा हूं, मैं देख सकता हूँ। मवाली, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, तुमने कहा था ना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो मोर के पंख सहला कर तुम्हें सुला रहा हूँ, इससे तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। आ रही है ना? अच्छा, तुम मैं जानती हूँ तुम मुझे कैसे सुलाओगे, ये सब शादी के पहले नहीं होना चाहिए। बस एक बार प्लीज। ए मवाली, प्लीज। नहीं नहीं, नहीं। अरे ए, गायत्री सुनो तो। क्या कहा था उस दिन? जीऊंगा तो उस लड़की के साथ, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। आप कह रहा है कि उस लड़की के साथ नहीं रहूंगा मैं, अलग कर दो। शंकर को जोड़ना और तोड़ना दोनों ही आता है। नहीं भैया, ये ठीक नहीं होगा, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं तुझे? हाँ, जीना होगा तो उसी के साथ जीना होगा, नहीं तो कहीं जाकर मर जा। क्यों भाई, ऐसे लोगों को लाकर मेरा नाम खराब कर रहे हो? हे गायत्री, देखो मेरे पास रुको। अरे नहीं, अरे सुनो तो। अरे क्यों भाग रही हो? अरे अरे सुनो तो, वो देखो क्या हुआ, जल्दी आओ, बोलो। वो देखो पुलिस, लगता है इन्हें तुम्हारे बाप ने भेजा होगा। क्या बात है मदन, आजकल माल समय पे नहीं पहुंच रहा है, क्या हो गया है? भाई आजकल थोड़ी मुश्किल हो गई है, इसीलिए माल पहुंचाने में थोड़ा लेट हो रहा है। बस माल पहुंचना चाहिए। ठीक है भाई, चाहे तो तुम मत जाना, किसी और को भेज देना, समझे? क्या बात है दोस्त, जब से आए हो दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं गए थे, अभी पंप सेट पे हम दोनों नहा करके आ रहे हैं, क्यों है ना? देखने से तो नहीं लगता है कि नहा कर आ रहे हो, मुँह तो बहुत थका हुआ लग रहा है। ऐसा है क्या? वो क्या है कि नई जगह है, जंगल है, तो रात भर सो नहीं पाया होगा। ये झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? मैं बताता हूँ, कल रात को ये जंगल में एक पेड़ के पास सोया हुआ था, हाथी ने इसके हाथ पे गोबर कर दिया, इसीलिए ये डर के थक गया है। तो मुझे पूछा किसी ने? जवान से मार दूंगा। एक बात बताओ, पूरे जंगल में हाथी का गोबर पड़ा है, कुल कितने हाथी होंगे? वो तो बहुत सारे होंगे दोस्त, लेकिन जानते हो इस जंगल में सिर्फ हाथी ही नहीं, शेर भालू भी है, अंदर गए तो उठा ले जाएंगे तुम्हें, बच के रहना तुम। हाँ सुन लो, जंगल की बात कर रहे हैं ये, इनको भी पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा शिकारी हूँ। चुप कर, जब देखो तब अपनी बड़ाई करता है, खुद भी हाथी का गोबर देख के भाग आया था। तेरी तो नमस्ते सर। नमस्ते सर। आइए नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो शंकर? मैं बढ़िया हूँ सर, बैठो यार। नमस्ते सर, ये मेरा दोस्त है और ये इसका असिस्टेंट है। ये बच्चे, ये दोनों तारापुर से आए हैं एक शादी के सिलसिले में। मदन सर, इस छोटे से काम के लिए आप आए हैं, कहलवा देते तो मैं ही भिजवा देता। ये ले, हाथ जोड़ ले। सर छोटी छोटी बातों के लिए आप मत आया करिए, फोन कर दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। मैं इसके लिए नहीं आया शंकर, विदेशी शराब पी पी कर जबान का जायका बदल गया है,
मैंने सोचा तुमसे मिल भी लूंगा और देशी शराब भी पी लूंगा। अच्छा तो ये बात है, ओके लेकर आ। क्यों सर, वाइन शॉप में हम ये भी बेच सकते हैं। ए भाई तुम चुप रहोगे? अच्छा शंकर मैं चलता हूँ। ओके सर, फोन कर दीजिएगा। ये लो पकड़ो जी, अब चलें। चलिए सर। क्यों भैया, यहाँ पर जो कूलिंग ग्लास लगाता है सिर्फ उसी को शराब मिलती है क्या? हमें नहीं मिलती क्या? अरे वो पुरानी शराब है, हम लोगों के लिए ताजा बनी हुई रखी है। ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। ए छोटे लेकर आ। इस बार तो ले गया वो। अच्छा ठीक है, आगे से यहाँ आने मत देना। कोई बात नहीं, एक बात बोलो, आगे से तू ध्यान रखना। देखने से तो ऐसा लगता है कि इसके बड़े बड़े बच्चे होंगे, लेकिन इसका नाम छोटे है। ए सुनिए, कल रात को तो आप बच गए, क्योंकि हाथियों को शराब की खुशबू नहीं पसंद है, लेकिन आज वो हाथी आपको पक्का नहीं छोड़ेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मत कहना कि नहीं बताया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये रुको, देखो वहाँ सब लोग पी रहे हैं, मैं जाके बात करके आता हूँ। ए देखो तुम मत पीना। तुम्हारी कसम नहीं पियूंगा, अब जाओ। मेरी बात मानो, मत पियो आप इसे। तू चुप रह, पीने से ही आदमी बड़ा बनता है। अरे हाँ, तू तो मुझसे भी बड़ा आदमी। ये तो हमसे भी बड़ा शराबी लगता है। देखो कैसे पी रहा है, अब एक कुछ तो छोड़ दे। सुनिए, एक बार कहने पे सुनता नहीं है क्या? ए इज्जत से बात कर, मैं तेरा मालिक हूँ, कनेक्शन करो ना। अरे वो सब छोड़, सबसे पहले तेरा ही कनेक्शन कटेगा। उधर देख, उधर उधर। क्या बात है भैया, लगता है शुरू कर दिया आपने। क्या करूँ, बोर हो रहा था, मेरे दोस्त ने कहा ये जड़ी बूटी वाला है, इसलिए पीने लगा। ए मदन, इसको भी दो यार। अरे शराब नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग पीजिए ना। अरे पीकर तो देखो, ये शराब इधर ही बनी है, मजा आ जाएगा। एक पैक ही ले लो। नहीं भैया। अरे भाई साहब, आपने घर में बनाया हो या बागीचे में बनाया हो, अरुण इसे छू ही नहीं सकता है। और तो और, शराबियों के साथ ये बिरयानी भी नहीं छूता है। हाँ यार, बिना शराब के जीना भी कोई जीना है। सही कहा भाई। अरुण तुम्हारी वो शराब और बिरयानी वाली कहानी। भैया चुप रहिए ना। सर आइए ना। सर आइयो बेटा, ठीक हो ना तुम? मैं अच्छा हूँ सर। कुछ काम कर रहे थे? नहीं सर, आइए ना बैठिए। आइए सर। अरे भाई खड़े क्यों हो, बैठो ना। सर मैं जाकर कुछ चाय कॉफी लेकर आता हूँ। नहीं चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुम्हारे साथ एक छोटा सा लड़का है ना? हाँ सर, ओनर ने बुलाया था इसलिए पास की दुकान तक गया है। ओ वो बात ऐसी थी कि तुम अगर कहो तो मैं उसे वाइन शॉप तक भेज दूं क्या? कोई बात नहीं सर, मैं चला जाता हूँ। वैसे तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपको क्या चाहिए बोलिए। तुम एक काम करना, एक हाफ बॉटल लेते आना, और तुम अपने लिए भी कुछ खाने को ले लेना। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा सुनो सुनो। हाँ आते समय थोड़ा बिरयानी भी लेते आओगे तो अच्छा होगा। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। वाह क्या बात है, तुम तो सारा सामान फटाफट ले आए। बस क्या है, एक चीज की ना थोड़ी सी कमी हो गई है। मुझे क्या है कि पान खाने की आदत सी पड़ गई है, तो कोई बात नहीं सर, बस एक मिनट अभी लाता हूं। हाँ ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसी और का इंतजार था? नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी ऊपर हैं। क्या कहा, मेरे पिताजी? तुम भी ना। तुम्हारे पिताजी की कसम, जाकर देख लो। पिताजी और यहाँ? जाकर खुद देख लो। मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है, कमाल की लड़की है ये। अरे बाप रे पिताजी, यहाँ तो पिताजी है। देख लिया, शराब पी रहे हैं, पान लेने जा रहा हूँ उनके लिए, समझे? तुमने भी पी रखी है? अरे पागल, मैं भला क्यों पीऊंगा? फूंक मारो अच्छी तरह से। ठीक है ना? ठीक है, तुम जब वापस ऊपर जाओगे तो पीना मत, ठीक है? प्रॉमिस। अरे मैं क्यों पीऊंगा, मैं नहीं पीने वाला। कसम खाओ ना मेरी। मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है। कसम से नहीं पीऊंगा, अब जाओ। हाँ हाँ जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम भी लो ना, खाओ। नहीं सर आप पीजिए ना, मैं बिरयानी खाऊंगा। अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है। Oh.
क्या हुआ बेटा, सीने में दर्द हो रहा है क्या? वो तो होगा ही ना, पता है क्यों? क्योंकि तुमने अभी जहर खा लिया है। जानते हो मुझे भी दर्द हुआ था। पता है कब हुआ था? जब मुझे पता चला कि मंदिर के पास तुम मेरी बेटी को अपनी बाहों में भरे हुए थे। क्यों रे, एक परिवार अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा करता है और तुम जैसे नालायक लड़के अपनी बातों में फंसा कर उन्हें यहाँ वहाँ घुमाते रहते हो। मेरे परिवार की इज्जत खराब करेगा तू। तुझे लगा होगा तू मेरी बेटी को घुमाएगा और मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगा, है ना? लेकिन इस नागेश की मान मर्यादा है उसकी बेटी। तुझ जैसे लोगों को मैं जिंदा कभी नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तेरे साथ यही होना चाहिए। दो कौड़ी के आदमी हट। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। मेरी झूठी कसम खाकर कैसे पीकर यहाँ पड़ा है? अरुण उठ। ए मवाली, मवाली, ए मवाली, उठो। मवाली, अरुण, अरुण उठो, अरुण उठ जाना, अरुण क्या बात है, उठो। डॉक्टर आ गए, अब कैसा है वो? चिंता मत कीजिए, वो बच गए हैं। हे भगवान, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। उन्होंने शराब नहीं पी थी, उनके खाने में जहर था। अगर उन्होंने शराब पी होती तो बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब सीरियस नहीं है, आधे घंटे बाद जाकर मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। हे भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया अरुण? आखिर क्या बात है जो तुमने जहर खा लिया? बोलो अरुण, बोलो अरुण। लेकिन इस नागेश की मान मर्यादा है उसकी बेटी। दो कौड़ी के आदमी। अरे बाप रे, ये नागेश इतना कमीना है? इतना कुछ हो जाने के बाद अब तुम्हारा उस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी झूठी इज्जत के लिए वो तुम्हें भी बिरयानी में जहर मिलाकर खिला सकता है और खत्म कर सकता है। तुम दोनों अगर खुश रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। बस यही सारी चीजें हुई थी वहाँ पर और वहाँ से भाग करके चले आए। दोस्त, तुमने अच्छा फैसला लिया है। तुम फिक्र मत करो, बस दो दिन में शादी कर देंगे। क्या कहते हो, अब तो खुश हो ना? तो कहीं बाहर जाकर घुमाओ, ठीक है? ठीक है, जाओ। ए गायू, अरे रुको। जब से प्यार करना शुरू किया है एक किस भी नहीं दिया तुमने, अब तो दे सकती हो ना? किस करने के बाद ही तो तुमसे प्यार कर बैठी। वो तो जल्दबाजी में कर दिया था, अब तो शादी होने वाली है तो अब किसी से डर किस बात का है? बस एक किस प्लीज, प्लीज गायू, प्लीज एक किस, एक किस पर गायू, प्लीज छोड़ो। ए गायत्री, ए हे सुनो ना, प्लीज रुक जाओ गायू, रुक जाओ, तुम्हें जाने नहीं दूंगा गायू। दिखा, दिखा ना बेटा। गायत्री सुनो तो, छुपो जाओ, छुपो। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? ए क्या हुआ गायत्री, क्या बात है गायत्री, क्या हुआ गायत्री? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे गिर गया, कैसे गिर गया, क्या गिर गया? मुझे माफ कर दो गायू, ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं अस्पताल में मर गया होता तो तुम माता पिता के साथ बड़ी खुश रहती ना? ऐसा मत कहो अरुण। सुनो, अगर मैं मर जाऊं तो? मैं मर गया तो तुम्हारे माता पिता तो हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम नहीं हो तो मैं भी मर जाऊंगा।
अपने ही घर के बच्चे हैं, अच्छी तरह आशीर्वाद दीजिए, हमेशा खुश रहें। सबको नमस्कार। नमस्कार, ये लो पहना दो। देख क्या रहे हो, पहनाओ। तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने ही तुम्हें इस जंगल में लाकर बहुत परेशान कर दिया है ना। ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सच कह रही हूँ? बस थोड़े ही दिनों में छोटा अरुण भी आ जाएगा। ठीक है। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता, गायत्री आएगी। नहीं, अरुण ही होगा। कभी नहीं, गायत्री। अरुण, ऐसा कभी नहीं होगा, छोटी गायत्री आएगी। जाओ। ना तुम्हारी ना मेरी, पहले अरुण फिर गायत्री आएगी, ठीक है ना? चलो। लगता है साहब बहुत अच्छे मूड में, कितनी सारी चीजें दिलवाई। ए, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ये सब तो जरूरत का ही सामान है। चलो आ जाओ। हाँ, मैं वहीं पर खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ तुम। हाँ जल्दी आओ। हाँ, अरे भाई साहब, आपका टायर पंचर हो गया है। अरे यार, टायर पंचर हो गया। यहाँ आसपास में कोई पंचर की दुकान है सर? सीधा जाओ, फिर राइट पे मुड़ जाओ, वहीं पे राइट। अच्छा, में है। अच्छा, सिग्नल के पास में ही है। ओहो, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी जाके आता हूँ। अच्छा सुनो ना, ये लो, दे दो, कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। भाग, शंकर आ रहा है, भाग। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, अकेली खड़ी हो, वो कहाँ है? वो पंचर लगाकर आते ही होंगे। ठीक है, आओ बैठो। यहाँ कर बैठ जाओ बहन। हे मदन, वो फोन करे तो बता देना। हाँ ठीक है भाई, बैठ जाओ। वो उठा के ला दो। हाँ एक मिनट देता हूँ। भैया अरुण आ जाएगा ना? वो पंचर लगवा कर आ जाएगा। ये लो। तुम डरो मत, हम चलते हैं, आराम से बैठो तुम। ए बैठ। चलिए भाई। भैया अरुण आ जाएगा ना? अरे तुम बेकार में डरी जा रही हो, शंकर का नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं, तुम खामों का परेशान हो रही हो। भाई गौड़ा ने अपने आदमी भेजे थे। किस लिए? वो कह रहा था कि हमारे इलाके में बहुत से पेड़ हैं, उन्हें काट कर बेचेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। मैंने कहा मैं भाई से पूछ कर बताऊंगा, अब आपको फैसला करना है। हे मदन, ये सब नहीं चाहिए, तुम जानते हो ना, इस जंगल से अगर चंदन के पेड़ कटने से पहले इस शंकर को काटना होगा, पैसे के लिए। भेड़ और बकरियों काट सकते हैं, माँ बाप को नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, पेड़ तो क्या, इस जंगल के पत्ते भी नहीं तोड़ सकते। ऐसी फालतू की बातें मत किया करो। ठीक है भाई, नाराज मत होइए। हे, ये सब कौन है? भैया मैंने आपसे कहा था, वहाँ मुझे कोई फॉलो कर रहा है, ये वही लोग हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब भी मुझे इन्होंने फॉलो किया था। हे, तुम यहाँ रुको, मैं इन्हें देख लूंगा। संभल कर। हे, कौन हो तुम लोग? रुकिए भाई, मैं भी आता हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो और इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? ए, अपने हथियार नीचे डालो, डालो। सुनाई नहीं दिया? मदन, ए रुक, ए पकड़ो, भाग रही है, रुक। लगता है मौके की ही तलाश में थे। पकड़ो। क्या देख रहा है?
गौड़ा के पैसे तुझे नहीं चाहिए ना, लेकिन मुझे चाहिए। अब मर। ए, रुक, ए, रुक, ए, अरे भागते किधर है? रुक। तुम्हारे जैसा आदमी इसके साथ है, ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आज बच के नहीं जाएगी तुम। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। ना बच के जाएगा। सर यही वो जगह है। हाँ हाँ, रुको रुको, यहीं पर मरा सर। शंकर की बॉडी यहीं पर मिली थी सर। मिस्टर पांडे, पीछे 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 हो जाओ पीछे। इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह है क्या? देखता हूँ सर। ओके ओके, अगर कोई हो तो इंक्वायरी कर लो। जी सर। और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुला लो। ओके। कांस्टेबल। जी सर। कोई भी सबूत मिस नहीं होना चाहिए। सर ठीक है सर। सर ये मेरी गायत्री का है, वो इसी गाड़ी में थी सर। ओ, यानी वो लड़की इसी गाड़ी में थी। हाँ सर। सर प्लीज सर, मेरी गायत्री को बचा। घबराओ मत, घबराओ मत, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले तुम अपने आप को शांत करो, ठीक है? सर, जिसने शंकर को मारा है, लगता है उसने लड़की को भी उठाया है, या ऐसा भी हो सकता है कि लड़की डर के मारे जंगल में कहीं भाग गई हो। सुनो, तुम घबराओ मत, वो मिल जाएगी। पहले तुम पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवा दो। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, तुम और तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर मत जाना। कहीं नहीं जाएंगे सर। मिल जाएगी। वहां पर
आगे जाकर नाचो। चलो तू ही अरुण है ना, तुम कौन हो? चल चल बताता हूँ मैं। छोड़ो छोड़ो मुझे सर, क्या कर रहे हो? चल छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? सुनो ए रुको, गाड़ी गाड़ी रुको, चलने दो ए सुनो ए गाड़ी रुको ए ए। हे चल सर भाई, ये है कौन हो तुम? चल कौन हो तुम सब लोग? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम कौन हो। लेकिन आप कौन है सर? मैं कौन हूँ ये जानना चाहते हो या तुम्हारी पत्नी कहाँ है ये जानना चाहते हो? भगवान के लिए बता दीजिए सर। वो मदन सब जानता है, ये लो सुन लो। लो मदन कहाँ हो तुम? अपने भाई से बात की डील के लिए? ओके कह दिया ना? मैंने बात की थी गौड़ा, लेकिन तैयार नहीं हुआ। वो जिंदा रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। आज के बाद कोई भी डील मुझसे करना। मदन तुम सच कह रहे हो? हाँ गौड़ा, वो जिंदा रहेगा तो हम चंदन की लकड़ी नहीं काट सकते। जो भी हो मेरा काम होना चाहिए, बस मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ। आ जाओ। अभी नहीं आ सकता गौड़ा, शंकर को मारते समय छोटी सी गड़बड़ हो गई। ऐसी गड़बड़? हम दोनों के साथ एक लड़की भी थी, उसे मारते समय उस लड़की ने देख लिया। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं खुद आकर मिलूंगा, ठीक है? अब विश्वास हुआ? हाँ? जाओ जाकर उससे पूछो, सब समझ में आ जाएगा। जाओ। हाँ बोलो। मैंने लोगों को बुला लिया है, सारे पेड़ कटवा दूंगा। पैसे पैसे मिलने चाहिए, इसीलिए तो शंकर को खत्म किया। जल्दी काम निपटाओ। रखो अब जल्दी फोन रखो। ए मदन मेरी गायत्री कहाँ है? मुझे क्या पता, जाकर ढूंढ ले। मैं अभी गौड़ा से मिलके आ रहा हूँ, बता। मिल लेना, मैं क्या करूँ? क्या कहा तुझे उससे? क्या बता गायत्री कहाँ है? बताता हूँ। चल निकल, छोड़ो मुझे। छोड़ो, चल जल्दी कर। चल जल्दी, मैं क्या कर रहा हूँ ये मत पूछो, तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। तारापुर में शायद ही कोई होगा जो इस थांबा को ना जानता हो। वहाँ का एक अमीर आदमी है, उसकी बेटी के लिए इसकी किडनी चाहिए थी। मैंने पेमेंट भी ले ली थी, 3 महीने से भाग रही थी, मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। Cheers. तुमने शंकर को खत्म कर दिया है, अब तुमने उसकी जगह ले ली है। जल्दी काम खत्म करो, किसी को शक न होने पाए। के बाद मैंने गायत्री के शव को एक खाई में फेंक दिया। कमीने, तूने मेरी गायत्री को मार दिया। मर, मर जा।
तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरुण चल वापस चलते हैं, अब हम यहां नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे, चलना यहां से। आप लोग चले जाइए। हे भैया की बात मान लेना, आप लोग जाइए। मेरी बात सुन, सब कुछ भूल जा और चल यहां से। नहीं, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तू ऐसा कुछ मत करना, हम यहां से चले जाते हैं ना। अरुण शांत हो जाओ, जाओ यहां से। बस यही हुआ था सर, उसके बाद हम उससे कभी मिले ही नहीं सर, सच में। हाँ सर, अब उसका और हमारा कोई संबंध नहीं है सर, अब आप कहें तो हम यहाँ से चले जाते हैं सर। अच्छा तो ये बात है राजा। यस सर। जब तक मुजरिम नहीं मिल जाता इन दोनों को लॉकअप में बंद कर दो। ये क्या हो रहा है? ओके सर। तब तक इनकी ट्रीटमेंट करो। हमारी कैसी ट्रीटमेंट सर, ना हमें कोई बुखार है ना ही खांसी है, हमें जाने दीजिए, धंधा खराब हो रहा है। वो उस ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे, उस ट्रीटमेंट की बात। अरे बाप रे सर, हम दोनों को 30-30 पराठे दे दीजिए, हम कहीं कोने में बैठकर खा लेंगे यहीं पर, ठीक है? टक लगाऊंगा, चल अंदर तुझे पराठा खिलाता हूँ। और सब्जी? सालन, डंडे पड़ेंगे अपने आप बाहर आएंगे। बच्चू, चल। लगता है इन लोगों को पराठे पसंद नहीं है। उस गुंडे को अरुण ने ही मारा ये पता चल गया। यस सर। उसके आदमियों से पूछताछ करेंगे तो अरुण कहाँ है ये भी पता चल जाएगा। अरुण तारापुर में ही है, लेकिन कहाँ होगा? ए, क्या सोच रहा है तू? अरे अरे पानी तो मिला यार। हम तो रातों के शहंशाह हैं। कौन है हमारा रात? मुझे उतरना है। ठीक है तुम जाओ अभी, चलो बाद में मिलते हैं। उतरो। गुड बाय, चलो जाओ जाओ जाओ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भगवानी। कौन है तुम लोग? लाइट कौन मार रहा है? मारो मारो मारो। ये लो। इतना ज्यादा मारने के बाद भी बस एक ही नाम बोले जा रहा है लगातार। मुझसे भी वही बात कर रहे हैं सर, ये सिल्क नाम का आदमी कौन है? नीचे उतारो उसे। अरे रे 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 रे, देख क्या रहे हो बेटा, तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि शहर का मैं नामचीन आदमी हूँ, लेकिन क्या फायदा, दुर्भाग्य से मेरी इकलौती बेटी की किडनी फेल हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, हर शहर में ढूंढा मैंने लेकिन किडनी नहीं मिली। किडनी पाने के लिए मैंने सारे प्रयत्न किए, तब जाकर किडनी का पता चला, समझे तुम? दरअसल मेरी बेटी का ब्लड ग्रुप किसी से मिलता नहीं है, तभी मुझे पता चला वेबसाइट से
तेरी प्यारी पत्नी का ब्लड और मेरी बेटी का ब्लड मेल खाता है, तभी उसका एड्रेस निकालकर उसे तारापुर में ही उठाने की कोशिश की, लेकिन तूने बचा लिया। देखो बेटा, तुम लोग मटन चिकन मछली बाजार से खरीदते हो ना, वैसे ही भी है। अब एक बात और सुनो, तुमने जो मटन खा लिया है उस मटन को खाने के बाद कोई दूसरी बकरी आकर तुमसे बदला थोड़ी ले लेगी। जैसे तुम बीवी से प्यार करते हो, मैं भी अपनी बेटी से प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं सारी हदों को पार कर सकता हूँ। अब तुम भूल जाओ बेटा, मुझे दुख तो हो रहा है, अगर बेटा मुझे शांति से रहना है तो तुम्हें मरना होगा। पैसे के बल पर तू कुछ भी करेगा। जानवर ही जानवर का मांस खाता है, लेकिन इंसान इंसान का मांस नहीं खाता। ऐसा करने वाला इंसान नहीं होता। दर्द हो रहा है, चिल्ला। आदमी कितना भी अमीर हो जाए, एक दिन उसे अर्थी पर लेटना ही पड़ता है, लेकिन उसका जो पैसा है वो कभी अर्थी पर नहीं जाता। मैं तुझे जान से मारने वाला हूँ, इसके बाद तुझे बचाना चाहता था, मैं उसे भी मार दूंगा। अरे मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। गायत्री भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी, लेकिन तूने उसे मार दिया। यहाँ तो सब मरे हुए पड़े हैं। कांस्टेबल, देखो कोई जिंदा है क्या? जी सर। ए उठ, इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ, यहाँ पर 10। हाँ सर। स्टॉप, स्टॉप, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, प्लीज सर, प्लीज प्लीज रुक जाइए। क्या है बेटा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? ऊटी जा रहा हूँ। मुझे वहां तो छोड़ देंगे क्या? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं, हम उधर ही जा रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, बैठो। Thank you.
अमीर साधु, तुम लोग जियो, इसके लिए हम गरीबों को मरना होगा। क्यों? बेटी रेनू, डॉक्टर आए हैं। बेटा देखो, अब आपकी हालत में काफी सुधार हो गया है। 3-4 दिन में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। सब आपकी मेहरबानी है डॉक्टर। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो उसे बोलिए जिसने आपको किडनी दी है, उसी की वजह से आज आप ठीक हो पाई हैं। आपके थैंक यू के असली हकदार तो सिर्फ वही हैं। आपने सही कहा, मेरे जिसमें मेरी जान नहीं, मुझे किडनी देने वाले उस देवता की जान है। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? हाँ बोलिए, बिल्कुल करूँगा। जैसे किसी की दी हुई किडनी के कारण आज मैं जिंदा हूँ, उसी तरह मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का एक एक हिस्सा किसी के काम आना चाहिए। मेरे कारण और कई लोगों को जीवन मिलना चाहिए। प्लीज डॉक्टर, क्या आप ये करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा। क्यों बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? नहीं माँ, मुझे यही करना होगा, शायद इसी तरह मैं उस देवता का सम्मान कर पाऊंगी। सही कहा ना? धन्यवाद डॉक्टर। अरे ये तो मेरा फर्ज था। टेक केयर बेटा। थैंक यू डॉक्टर। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी मर जाऊंगा।